जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम मूलियों वाले पराठे बनाएंगे। तो ये हमने मूलियाँ जो है वो कद्दूकश करके इसके अंदर जो भी मसाला जात थे वो डाल के और इसको रेडी कर लिया है। ये मसाला है हमारा, इसकी जो रेसिपी है वो हम इंशाल्लाह जो है वो भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उसके साथ हमने ये जो पेड़े हैं पेड़े करके रख लिए हैं, तो अभी हम जो है इसकी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है वो आपके सामने अब देखें, पेड़े को हम थोड़ा सा सूखा जो है वो लगाएंगे आटा, उसके बाद इसको हम बेलेंगे। ये देखें पेड़े ऐसे बेलने हैं, और थोड़ा सा जो पेड़ा बेल के इसके बाद इसके ऊपर जो है वो जो मसाला है हमारा वो लगाएंगे। जी तो अब हम इसके अंदर मसाला जो है वो डाल रहे हैं, मूलियाँ वगैरह, और इसके अंदर आप अपनी जितनी आपको ज़्यादा, अगर हैवी पराठा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें, वरना आप इसमें कम डाल के, अगर आपने क्रिस्पी सा खाना है तो आप कम डाल के और इसको क्रिस्पी कर सकते हैं। तो पैन जो है हमने ऊपर रख लिया है गर्म होने के लिए, इसके नीचे आग जो है वो हमने लो हीट रखी है अभी। तो अगर ज़्यादा हीट रखेंगे तो जो हमारा पराठा है वो जल जाएगा जल्दी और अंदर से कच्चा रहेगा। तो अभी जो है हम इसको अच्छी तरह से अंदर मूलियाँ वगैरह हमने लगा ली हैं, तो इसको अच्छी तरह दबाना है आपने, ताकि जो मूलियाँ हैं वो जब आप इसको रोटी को ज़्यादा बेलें तो मूलियाँ जो है अंदर से गिरे ना बाहर, अच्छी तरह आटे के साथ चिपक जाएं। तो अभी हम इसके ऊपर दूसरी रोटी का रखेंगे और इसको अच्छी तरह साइडों से किनारों से बंद कर देंगे। जी तो रोटी अच्छी तरह हो चुकी है, अब इसके नीचे सूखा आटा लगा के अब हम इसको बेलेंगे और थोड़ा सा बड़ा करेंगे। आप इसको हाथों की मदद से ही बेलें, और अगर आप बेलन की मदद से इसको बेलेंगे तो अगर वो ज़्यादा दबाव पड़ेगा जिसकी वजह से मूलियाँ जो है वो पानी छोड़ देंगी और निकल बाहर आ जाएंगी आटे से, तो आप इसको हाथ की मदद से ही बेलें, इसको फैलाएं जितना ये फैल सकता है। और चूल्हे के नीचे से हम जो आंच है वो तेज़ कर देंगे ताकि पैन जो है वो गर्म हो जाए और हमारा पराठा जो है वो बिल्कुल अब चूल्हे के ऊपर डलने के लिए रेडी है। तो अब हम इसके ऊपर जो है मक्खन लगाएंगे, देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। आप अगर देसी घी नहीं इस्तेमाल करते या आपको पसंद नहीं है या अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी डालडा घी या ऑयल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी का एक बहुत अच्छा जायका आता है, जिसकी वजह से हम इसको थोड़ा सा रोटी को बेल रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा जो है ना वो क्रिस्पी बने और थोड़ी सी रोटी जो है फैल जाए। तो घी ऑयल लगा लिया है देसी घी, अब हम इसके ऊपर पराठा डाल देंगे। तो कोशिश करें आप नॉन स्टिक पैन लें ताकि आपका पराठा जो है वो नीचे चिपके ना और आप इसको आराम से आसानी से पलट सकें। तो पराठा हमने डाल दिया है, अब हम इसको थोड़ा सा नीचे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देंगे, और आंच जो है हम थोड़ी सी हल्की नॉर्मल रखेंगे, ना ज़्यादा तेज़ और ना ज़्यादा हल्की, ताकि पराठा अच्छी तरह अंदर तक पक जाए। जी तो देखें पराठे का कलर जो है ऊपर से चेंज हो रहा है, और अब हम इसको इसकी जो क्रिस्पी करने के लिए पराठे को हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो अब हमने साइड पलटी है, तो ये देखें थोड़ा सा पराठा जो है वो आटा हार्ड हो गया है और थोड़ा सा इसमें गोल्डन टच आना शुरू हो गया है। तो अब हम इधर वाली साइड पे भी जो है वो देसी घी लगाएंगे। अगर आप ज़्यादा मतलब घी के शौकीन हैं तो आप अपनी पसंद से ज़्यादा, जितना ज़्यादा चाहें उतना लगा सकते हैं, और अगर कम आपका पसंद है तो आप कम लगाएं, तो मैंने बिल्कुल कम थोड़ा सा लगाया है। तो अब हम इसकी साइड पलटेंगे और अब हम जब इसकी साइड दोबारा पलटेंगे तो उधर से पराठा जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका होगा, बहुत अच्छा कलर आएगा इसका। क्रिस्पी के करने के लिए आपको लो फ्लेम पे पकाना पड़ेगा, मीडियम फ्लेम पे, ताकि आपका पराठा जो है वो उसमें क्रिस्पीनेस आए और वो ढीला ढीला ना हो।
अभी हम इसकी साइड जो है वो पलट रहे हैं, तो ये देखें हमने साइड पलटी है और बहुत अच्छा गोल्डन टच जो है इसमें आ चुका है। अभी भी अच्छी तरह नहीं आया, अब हम इसको दोबारा थोड़ी देर के लिए दोबारा साइड पलटेंगे। फिलहाल इसकी दूसरी साइड जो है हम पका रहे हैं, तो आपने ऐसे ही बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाना है ताकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पीनेस इसमें आएगी और बहुत अच्छा पराठा अंदर तक पक जाएगा जी। तो गाइस ये देखें इसका कलर कितना अच्छा आ गया है और ये हमारा पराठा जो है बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको जो है वो सर्व खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको ट्रे में डालेंगे प्लेट में और इसको जो है वो रायते के साथ जो है वो हम खाएंगे। बहुत ही यमी हमारा जो है वो पराठा है, आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा अपने घर में, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा ये खाने में। खैर देखें पीछे करते हो, तो ये हमारी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और मज़ीद जो है अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई अपडेट हमारी जो है वो आपको मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।